The question is, if y plus इज y is equal to cos of x, then find dy over dx. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दे रखा है विच इज योअर वाई प्लस साइन ऑफ वाई एंड that इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स ठीक है अब अगर आप इस गिवन फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना होगा y को और y को अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वांटिटी आपको मिलेगी dy ओवर dx के. अब हमें डिफरेंशिएट करना है sin y को तो sin y को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से क्योंकि जो आपका sin है वो इटसेल्फ y पे डिपेंड करता है तो पहले तो अपन sin y को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसके बाद y को भी डिफरेंशिएट करेंगे जो कि dy dx में कन्वर्ट होगा तो चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं सबसे पहले साइन वाई की अगर मैं बात करूं तो इसका डायरेटिव आपको मिलेगा कॉस ऑफ वाई फिर आपको करना है डीवाई डीएक्स ऑफ वाई जो कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे डेट इज ऑर डीवाई ओवर डीएक्स अब राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट साइड में आपके पास फंक्शन है कॉसेक्स और कॉशेक्स को अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्वांटिटी आपको मिलेगी माइनस ऑफ साइन एक्स के अगले स्टेप में जैसा कि मैंने कहा कि वाई का डीवाई डीएक्स डेट इज सिंपली डीवाई ओवर डीएक्स तो यहाँ पे आप dy/dx को ले सकते हैं। और है of और में आपके पास है इसके बाद अगर आप दीवाग 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 पे कमेंट करेंगे, तो दीवाग 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 आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस दिस इज द डिफ्रेंशिएशन फॉर द गिविंग फंक्शन